सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई। सीडब्ल्यूसी माने करप्शन वाली कमिटी। द करप्शन वाली कमिटी मेट टुडे अंडर द लीडरशिप ऑफ मिस्टर राहुल गांधी एंड द फर्स्ट स्टेटमेंट दैट केम आउट फ्रॉम मिस्टर राहुल गांधी वॉज दैट वी सी अ ह्यूज पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी, कि हम हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा राजनीतिक अवसर देखते हैं। इस करप्शन वाली कमिटी ने निर्णय लिया है कि जनता के आशीर्वाद से जो कॉन्फिडेंस वाली सरकार चल रही है उसके ऊपर धावा बोलेंगे। इसमें नया क्या है? ये तो 4 वर्षों से ही जनता द्वारा चुनी हुई कॉन्फिडेंस वाली सरकार के ऊपर अनर्गल आरोपों के साथ धावा बोलते आ रहे हैं, तो इसके लिए इतना तामझाम करके करप्शन वाली कमेटी को मिलने की आवश्यकता क्या थी? और जो राहुल गांधी जी ने कहा कि वी सी अ ह्यूज पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी, एस्टॉनिशिंगली बड़े आश्चर्य के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि चंद दिनों पहले जब नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ था और मीडिया के बंधुओं ने जब सोनिया जी से सवाल पूछा था तो सोनिया जी को नो कॉन्फिडेंस मोशन के समय संख्या दिख रहा था, उन्हें नंबर्स दिख रहे थे कि हमारे पास नंबर्स हैं, और फिर फ्लोर ऑफ द हाउस में जो हुआ वो हम सबने देखा है। और आज जलगांव और सांगली में बुरी तरह से चुनाव हारने के पश्चात और भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार की ऐतिहासिक जीत महाराष्ट्र के जलगांव और सांगली चुनाव में मिले हैं, उसके पश्चात राहुल गांधी जी को वहां चुनावी और राजनीतिक अवसर दिख रहा है, ही इज सीइंग पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी देयर, आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ। शायद ठीक उसी प्रकार का अपॉर्चुनिटी की बात राहुल जी कर रहे हैं जैसे गुजरात में चुनाव हारने के पश्चात गुलाल और अबीर लगा के होली मना रहे थे। एस्टॉनिशिंगली द कांग्रेस पार्टी टुडे इज लुकिंग फॉर ओनली वन अपॉर्चुनिटी एज टू हाउ द कांग्रेस पार्टी कैन बी ब्रॉट टू द फोर्थ और द फिफ्थ पोजीशन इन द इलेक्टोरल लिस्ट ऑफ द पार्टीज ऑफ द कंट्री टुडे। किसी भी कीमत पर मोदी जी और मोदी जी के सरकार के ऊपर प्रहार करना, उसको हराने का प्रयास करना, भले उसके लिए अपने अस्तित्व को ही क्यों न समाप्त कर देना, यह कांग्रेस का लक्ष्य रहा है। किसी को भी सपोर्ट करेंगे मगर मोदी जी के विकास के रथ को आगे नहीं बढ़ने देंगे। इसलिए द ओनली अपॉर्चुनिटी प्रोबेबली मिस्टर राहुल गांधी इज सर्चिंग फॉर इज द लास्ट पोजिशन अमॉन्गस्ट ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज इन द कंट्री, दैट्स वॉट ही सीज एज अ पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी। मगर दुख का विषय तो यह है कि इसमें भी बाकी पॉलिटिकल पार्टीज राहुल गांधी जी के कांग्रेस पार्टी को अपने से दूर रखना चाहते हैं, उसको स्पर्श तक नहीं करना चाहते। एस्टॉनिशिंगली दो मिस्टर राहुल गांधी वॉन्ट्स टू बी बिहाइंड द अदर पॉलिटिकल पार्टीज, नन ऑफ दीज पॉलिटिकल पार्टीज टूडे इन द कंट्री वॉन्ट टू इवन टच मिस्टर राहुल गांधी कांग्रेस बिकॉज दे हैव सीन एस टू वॉट इज देयर फेट इफ दे गो अलॉन्ग विथ कांग्रेस। कुछ अनर्गल आरोप लगाए गए, उनमें से एक राफाइल पे था। बड़ा आश्चर्य का विषय है, राहुल गांधी जी ने लोकतंत्र के मंदिर संसद के पटल पर खड़े होकर जिस प्रकार का झूठ बोला था और बहुत ही आत्मविश्वास के साथ गरजते हुए कहा था कि फ्रेंच प्रेसिडेंट ने उनके कान में कुछ बातें कही थी और तुरंत कुछ घंटों के अंदर फ्रांस ने चिट्ठी जारी करके यह सफाई दिया और कहा कि राहुल गांधी जी झूठ बोल रहे हैं। कैन देयर बी एनीथिंग मोर ह्यूमिलिएटिंग देन दिस? इससे ज्यादा बदनामी का विषय राहुल गांधी जी और कांग्रेस के लिए कोई और हो सकता है क्या? पूरे विश्व में राहुल गांधी जी की इस विषय में थूथू हुई और भारतवर्ष के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि संसद में एक तीसरे देश को दखल देते हुए चिट्ठी जारी करना पड़ा कि जो भी राहुल गांधी जी ने कहा है वो झूठ कहा है। पूरे विश्व के सामने झूठ खोलने के बावजूद फिर भी और झूठ बोलने का प्रयास कर रहे हैं। राफेल एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है, इसमें क्वात्रोची या क्रिश्चियन मिशेल जो कि लगभग गांधी परिवार के सदस्य जैसे ही हैं, उस प्रकार के कोई मिडिलमैन नहीं है, इसलिए शायद ये परेशान है। और सदन के पटल में ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, सदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पार्लियामेंट में आदरणीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी ने डिटेल्स रखे थे कि किस प्रकार जिस रेट में भारतीय जनता पार्टी की एनडीए सरकार ने राफेल खरीदा वो 9% लेस था कंपेयर टू व्हाट वाज़ द प्रपोजिशन ड्यूरिंग द यूपीए डेज।
तो स्वाभाविक रूप से दूध का दूध पानी का पानी होने के पश्चात भी राहुल गांधी और उनके लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदुस्तान यह सवाल पूछता है कांग्रेस पार्टी से कि सन 2000 से लेकर 2012 तक 12 वर्षों तक द स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन एयरफोर्स वाज सीवियरली हिट एंड डिप्लीटेड। इतना डिप्लीट होने के पश्चात भी 12 वर्षों के अवधि में 10 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी रही, आखिर क्या किया उन्होंने? जिस प्रकार विगत वाजपेयी सरकार ने इस विषय को उठाया था और अब मोदी जी की सरकार उसको आगे बढ़ा रही है, 10 वर्षों तक इंडिया लॉस्ट इट्स वैल्यूएबल टाइम, देयर वाज सीवियर डिप्लीशन ऑफ स्क्वाड्रन। एनआरसी के विषय में भी आज कहा गया कि उस पर चर्चा हुई है सीडब्ल्यूसी करप्शन वाली कमेटी के अंदर। द इंडियन पार्लियामेंट, यू डिड नॉट अलाउ द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी Mr. Amit Shah to make his point on NRC on the floor of parliament, and today you are saying we had a detailed discussion on NRC. Is the CWC more important than the parliament is the question that the citizens of this country are asking you. Mehul Choksi ke upar anargal jhoot bolne ka prayas yahan Congress party kar rahi hai. Abhi chand dinon pehle Congress ka haath kis prakar Mehul Choksi ke saath hai, yeh puri tarah se khulasa hua. Jab चोकसी के जो वकील हैं, जिसका नाम है डेविड डोर्से, खुद डेविड डोर्से ने एंटीगुआ में एक साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू में टीवी चैनल को बताया कि मेहुल चोकसी का कांग्रेस के साथ एक लूज कनेक्शन है और इस कारण से उनके ऊपर राजनीतिक दबाव डाला जा रहा है, उनके ऊपर राजनीतिक दृष्टिकोण से हमला हो रहा है। मिस्टर मेहुल चोकसी इज बिंग टारगेटेड because Mr. Mehul Choksi has a loose connection with the Congress party. This was said by Mr. Choksi's lawyer, Mr. David Dorsey, while he was being interviewed by a television channel in Antigua. Dekhiye, loose connection to kuch nahi hota hai. Congress ka corruption ke saath hard connection hai aur sadiyon se hai. Hamesha se hi Congress party ka ek bahut well known connection corruption ke saath raha hai. Sanskrit mein kahawat hai, आकाशं पतितं तोयं यदा गच्छति सागरं केशवं प्रति नमस्कारं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति। आकाशं पतितं तोयं, आकाश से पानी कहीं भी बारिश के रूप में क्यों न गिरे, वो अंततः जाता समुद्र में है। नमस्कार किसी को भी क्यों न करो, अंततः वो केशव के प्रति जाता है। ठीक उसी प्रकार भारतवर्ष में करप्शन कहीं भी क्यों ना हो, अंततो गत्वा वो करप्शन जाता 10 जनपद में। वो सब करप्शन की धाराएं बहके जाके 10 जनपद में मिल जाती हैं। 10 जनपद इज द परमानेंट एड्रेस ऑफ करप्शन इन इंडिया। और अभी थोड़े दिन पहले हमने टीवी चैनल के माध्यम से देखा कि किस प्रकार से, और पेपर में भी छपा है, कि ईडी ने एक दिल्ली के कोर्ट को कहा है कि 25 लाख रुपए, कोई 1-2 लाख रुपए नहीं, 25 लाख रुपए एक बहुत महत्वपूर्ण लीडर है कांग्रेस पार्टी के, जिनका घर का एड्रेस दिया गया है 23 मदर टेरेसा क्रिसेंट रोड, 23 मदर टेरेसा क्रिसेंट रोड में 25 लाख रुपए किसी कंपनी ने अपने पक्ष में विषय को रखवाने के लिए डिलीवर किया, ये ईडी कह रही है। ये पेपरों में छपा, उससे हमें मालूम पड़ा। तो एवरी एक्ट ऑफ करप्शन इन दिस कंट्री अल्टीमेटली लीड्स टू द गांधी फैमिली एंड द वंस हु आर क्लोज टू द गांधी फैमिली। एंड द करप्शन वाली कमिटी, the CWC is alleging on others, they have to answer. NPA ke bare mein sawal uthaya gaya, aur NPA ke bare mein mananiya pradhanmantri shri Narendra Modi ji ne jis prakar se Congress party ka poll khola hai, Congress party ka sar jo hai wo sharm se jhuk jana chahiye. Jab se Bharat azad hua 60 varshon mein kul mila ke 18 lakh crore rupaye yah loan diya gaya tha, koi bhi sarkar rahi ho 60 varshon tak 18 lakh crore rupaye, aur uske paschat मात्र 2008 से 2014 तक जब कांग्रेस की सरकार रही, इन 6 वर्षों में ₹52 लाख करोड़ वॉज एक्सटेंडेड एज लोन। और प्रधानमंत्री जी ने कहा था, नो कॉन्फिडेंस मोशन के समय कहा था कि इंटरनेट बैंकिंग तो आज शुरू हुई, मगर कांग्रेस के समय जो टेलीफोन बैंकिंग चलती थी, हेलो हेलो आप इन्हें लोन दे दीजिए, और तुरंत लोन इशू कर दिया जाता था बिना किसी कागज के, आज उसका नतीजा देश देख रहा है। कोई कोलैटरल नहीं, केवल एक टेलीफोन कॉल जाने पर जिस प्रकार लोन उनके मित्रों को, उनके सहयोगियों को और उनके घरानाओं को दिया जाता था, उसका नतीजा आज हिंदुस्तान देख रहा है।
And I will not step back from saying that the Congress Party had acted as a loan-giving agent, while the Bharatiya Janata Party, in the interest of the nation, is acting as a recovering agent. Congress Party ek loan-giving agent ke roop mein kaam kar rahi thi, jo farji tarike se loan disburse kar rahi thi, aur Bharatiya Janata Party ek recovery agent ke roop mein kaam karke, aaj janata ka jo gaadi kamai hai, usko wapas desh mein la rahi hai. हमने देखा भी विजय माल्या के प्रॉपर्टी को कैसे सीज किया गया. हमने देखा विजय माल्या कोर्ट में कैसे केस पर केस हारे जा रहे हैं, किस जेल में रहेंगे वो जेल भी चिन्हित किया जा रहा है. ये सब हम देख रहे हैं. क्यों हो रहा है? क्योंकि दिस गवर्नमेंट, मिस्टर मोदीज गवर्नमेंट, है जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन. किसी भी कीमत पे यहां करप्शन का क तक नहीं हो सकता है. यह मोदी जी ने आपको दिखाया है. अंत में एमएसपी के विषय में पूछा गया आज, मुझे बहुत आश्चर्य लगता है. राहुल जी, आप एमएसपी के बारे में सीडब्ल्यूसी में चिंतन करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं. मैं तो यहां हेडलाइन देख रहा हूं, कुछ अखबारों में हेडलाइन छपा है कि जब परसों एमएसपी के विषय में चर्चा हो रही थी पार्लियामेंट के अंदर और देश के माननीय मंत्रीगण इस पर उत्तर दे रहे थे, उस समय विपक्ष से कोई नेता मौजूद नहीं था, कांग्रेस पार्टी का कोई सांसद मौजूद नहीं था, राहुल गांधी मौजूद नहीं थे. आप लोग कोई मौजूद नहीं है जब पार्लियामेंट में डिस्कशन होता है, जब प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं और आप सीडब्ल्यूसी में चर्चा करते हैं. मिस्टर राहुल गांधी, इज योर करप्शन वाली कमिटी सीडब्ल्यूसी इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट देन द पार्लियामेंट ऑफ दिस कंट्री? यू डू नॉट वॉन्ट डिस्कशन ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट एंड यू से दैट यू आर डिस्कसिंग इट ऑन द फ्लोर ऑफ सीडब्ल्यूसी. और जाते जाते मित्रों, जैसे मीडिया में सोर्सेज होते हैं, हमारे भी सोर्सेज होते हैं. हमारे किसी सोर्स ने बताया कि आज जो सीडब्ल्यूसी मीटिंग हुई है उसमें एक चर्चा हुई है बात, और वो बात यह है कि सोनिया जी ने राहुल जी से पूछा कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि हम कोई भी कदम उठाते हैं, और खास करके राहुल जी, आप कोई भी कदम उठाते हैं वो उल्टा पड़ जाता है. सीडब्ल्यूसी वाली मीटिंग में हुई कि नो कॉन्फिडेंस आपने उठाया, वो उल्टा पड़ गया. आज देश कांग्रेस के ऊपर जो थोड़ी बहुत कॉन्फिडेंस की बात हम लोग कर रहे थे, अर्थात कांग्रेस पार्टी खुद कर रही थी, वो भी समाप्त हो गया. कोई कॉन्फिडेंस किसी का नहीं है, उल्टा पड़ गया. एनआरसी के ऊपर जिस प्रकार से रक्तचाप बढ़ने के कारण, इतने हार हो गए तो रक्तचाप बढ़ ही जाएगा, रक्तचाप बढ़ने के कारण रक्तपात करना चाहते थे, वह भी उल्टी पड़ गई. तो क्या कारण है जो हम कोई भी कदम उठाते हैं वो उल्टी पड़ जाती है, वो उल्टा हो जाता है? तो अंदर से किसी ने बताया है, वो करप्शन वाली कमेटी के किसी सदस्य ने, कि अब क्या करें मैडम, क्या करें राहुल जी, आप लोगों के निर्देश के अनुसार हर चीज पे हमें मोदी जी पे और बीजेपी पे अटैक करना है, और मोदी जी पे अटैक करते करते कब हम हिंदुस्तान पे अटैक करने लगते हैं ये हमें मालूम नहीं पड़ता है, और हिंदुस्तान की जनता जब हिंदुस्तान पे अटैक करो तो इसे ठीक से लेती नहीं है, वह जवाब देती है. धन्यवाद.